ये कैसे हो सकता है? मैं भूतकाल में क्यों नहीं जा पाई? तौबा, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने लगाना। महाविनाशिनी, बहुत हैरानी हो रही है ना कि ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब बालवीर की रची हुई योजना है। महाविनाशी चाहती है कि मानव समय वाहक यंत्र को सत्यलोक से चुराकर उसके पास ले आए, और होगा भी वैसा ही जैसा महाविनाशी चाहती है। लेकिन महाविनाशी के पास असली यंत्र नहीं पहुंचेगा। मैं मानव से टकराऊंगा और उसे रोकने के बहाने उसे भटकाऊंगा भी, और इसका फायदा भटकाती परी उठाएगी। और भटकाती परी असली यंत्र को छुपाकर खुद समय वाहक यंत्र का रूप ले लेगी, और मानव भटकाती परी को, जो कि यंत्र बन चुकी है, उन्हें महाविनाशिनी तक ले जाएगा। महाविनाशिनी, कारावास में बंद होने से पहले आखिरी बार अपनी हार को करीब से देख ले। रानी परी, वाह बालवीर, बहुत अच्छी योजना बनाई थी। भूल गए कि मेरा नाम भी महाविनाशिनी है। सच्चाई के एक कदम आगे चलती हूँ हमेशा। अब देखना, तुम बुराई के तीर से बच नहीं पाओगे। रुक जा मानव। बहुत अच्छे मानव, बहुत अच्छे। इतनी आसानी से मैं अपनी हार नहीं मानूंगी बालवीर। इसकी कीमत तुम चुकाओगे। इस तरह से तो रानी परी मेरा अंत कर देगी। यहां से जाना बेहतर है। महाविनाशिनी, आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि अच्छाई का प्रकोप क्या होता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं हमारा मानव किस हाल में होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं बालवीर मानव को चोट तो नहीं पहुंचाएगा। स्मिता, नहीं नहीं, बालवीर ऐसा नहीं करेगा। मानव तो उसका चहेता है ना। लेकिन मानव तो नादान है। महेश, कहीं मानव ने बालवीर पर वार कर दिया तो। तुम चिंता मत करो, बालवीर के होते हुए हमारे मानव को कुछ नहीं हो सकता। जाओ मानव, अपने घर वालों से मिलो,
और उन्हें कह दो कि तुम बिल्कुल ठीक हो। बालवीर, सॉरी बालवीर, पावर्स के लालच में आकर मैंने तुम पर अटैक कर दिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज बालवीर। जा, अब अपने घर वालों से मिलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जा। ठीक है बालवीर। माँ, पापा, दादा जी। थैंक यू बालवीर। थैंक यू। बच्चों, हमें कभी भी लालच में आकर किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अंत में नुकसान हमारा ही होता है। और हमें ये बात समझनी चाहिए कि जो इंसान अच्छा काम करता है उसका महत्व कभी खत्म नहीं होता। दोस्तों, शक्तिशाली होने का नशा बहुत ही बुरा होता है, वो हमें अंधा कर सकता है। खुशी से जीने का केवल एक ही नियम है, खुशी से जियो और हमेशा दूसरों को खुशी से जीने दो। और इसीलिए खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। रानी परी, आप क्या करने वाली हैं? अभी पता चल जाएगा परी। चलिए परी। ये समय वाहक यंत्र बहुत ही खतरनाक यंत्र है और इसे नष्ट करने में हम सबकी भलाई है। अब हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए परी। अरे कस्तूरी, एक कप चाय देना जरा। बिना चाय के अखबार पढ़ने का मजा ही नहीं आता। मैं तो भूल ही गया, कस्तूरी तो द्वारका गई है। बापूजी, तो क्या हुआ, माँ घर में नहीं है, चाय हाजिर है। तो बापूजी, मैं आपके लिए बिस्किट ला के आता हूँ। हाँ, मैं आपके लिए नमकीन खा के आता हूँ। एक नहीं, दो चाय लाना। और महेश और रोकी, तुम्हें नमकीन और बिस्किट लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये मासी अहमदाबाद से स्पेशल फाफड़ा और जलेबी लेके आई है। मासी? मासी, पहले बताया होता तो मैं स्टेशन पे आपको लेने आ जाता ना। अरे महेश, तू लेने तो आ जाता, पर वो मजा नहीं आता ना जो अब आया है। अरे वो क्या कहते हैं, जो देने में आता है वो भूल गई। अब खुशी? अरे नहीं जीजा जी, जो बिन बुलाए आते हैं वो मेहमान। अरे नहीं, जिससे वो प्राइज मिलती है वो प्राइज। सरप्राइज? हाँ सरप्राइज। एग्जैक्टली। पहले क्यों नहीं बताया? अगर मैं बता के आती तो तुम लोग को सरप्राइज नहीं मिलती ना। वैसे मासी, तो आप आ गई है ना, तो इस घर में आपका स्वागत है। हाँ। वेलकम। वेलकम? ऐसा शांत शांत वेलकम नहीं चलेगा। हाँ, मेरा वेलकम तो घर में से ही करना चाहिए ना, है ना, है ना। हेलो हेलो, बच्चों, आज मैं आप लोगों को आईने के बारे में बताऊंगा। आईने दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है वो होता है कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो होता है वो होता है कॉनवेक्स मिरर। बच्चों, जिस मिरर में कॉनकेव ज्यादा होता है उस मिरर में लोग मोटे और नाटे नजर आते हैं, और जिस मिरर में कॉनवेक्स ज्यादा होता है
उसमें लोग लंबे और पतले नजर आते। कभी शीशा मोंटू उसमें मोटा ही दिखेगा। शांति शांति सर, मुझे तो एक ही शीशा पता है जिसके अंदर मुझे मेरी शक्ल दिखती है। हाँ, और उसके बाद वो शीशा डरकर टूट जाता है। तेरी तो मंडर मंडर sit down, behave yourself. आते बच्चों, मैं आप लोगों की एक टेस्ट लूंगा। कौन सा टेस्ट सर? कॉन्टेस्ट या कॉन्वेक्ट टेस्ट? सर आप कोई भी टेस्ट लीजिए, उस कॉन्टेस्ट में मैं पार्ट जरूर लूंगा। मोंटू, मतलब मोंटू, मैं कह रही थी कि हमें पढ़ना है, इसलिए क्लास को डिस्टर्ब मत कर। मैं डर गया। पढ़ो पढ़ो, तुम लोग पढ़ो। अब मैं भी एक टेस्ट करूंगा। हे मोंटू, कमाल का बुरा बच्चा। करेगा एक ना एक दिन नाम रोशन बुराई का इस दुनिया में। अरे बस कर। बिना बात के क्यों हंस रहे हो? नो, अब तो हो नहीं रही सहन आपको मेरी हंसी भी। रह के आपके साथ तो है रोना ही पड़ता हमेशा मुझे। वो तो हो बना उस मोंटू का जो करके बुरा हाल बच्चों का ले आया मेरे जीवन में हंसी और खुशी। देखिए, आप भी देखिए है कैसे कर रहा वो मोंटू बच्चों का बुरा हाल करके उनको दुखी और मुझे सुखी। सर, मुझे ये पूछना था कि आईने में लोग मोटे या पतले कैसे दिख सकते हैं? मतलब हम आईने में वैसे दिखेंगे ना जैसे हम हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। मेहर बेटा, तुमने फनी मिरर्स देखे हैं? हाँ। बस फनी मिरर्स यानी कि मजेदार आईने। मैं आप लोगों को मजेदार आईने के द्वारा ही समझाऊंगा कि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है और कॉनकेव मिरर क्या होता है। लेकिन उसके लिए मैं आप सबको शनिवार यानी कि परसों साइंस म्यूजियम ले जाऊंगा। यस, वहां पे तुम सबको बहुत सारे फनी मिरर्स दिखेंगे जिसमें आप सब अपने आप को लंबे, नाटे, मोटे, पतले। मंडप, ये क्या हो रहा है? फनी मिरर सर, हम मिरर के इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये भी एक इफेक्ट है। देखिए देखिए, आप कितने फनी लग रहे हैं। देखिए मंडप। सॉरी सर। सच कहा तुमने, तौबा तौबा। मोंटू सच में ऐसे काम कर रहा है जिससे हमें खुशी मिले। सोचो सोचो, अगर पृथ्वी पे सारे बच्चे ऐसे ही गुस्सा करें, झगड़ा करें, तो क्या होगा? क्या होगा? रुकी रुकी, अभी बताता मैं आपको। कल्पना करके कि बन जाएंगे अगर बच्चे बुरे और बदमाश। गुस्से से भरे हुए दोस्तों, वो रहा हमारा अगला शिकार। दोस्तों, आज ये बच के जाना नहीं चाहिए। हाँ। अटैक! तौबा तौबा। महाविनाशनी भागिए, भागिए महाविनाशनी भागिए, वरना हो जाएगा अनर्थ।
अगर बन जाएंगे पृथ्वीलोक के सारे बच्चे बुरे और बदमाश तो हो जाएंगे सब एक और कर देंगे हमारा बुरा हाल। भागिए महाविनाशिनी भागिए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा तोबा तोबा। अरे जब मैं बोल रहा आपको ऐसा ही होगा मतलब ऐसा ही होगा। अरे नहीं जानती आप कुछ भी। आज से बोलूंगा मैं और सुनेंगी आप। इस बार महाविनाशिनी की चाल करेगी बालवीर का बुरा हाल। पर कैसे? तौबा तौबा, तुम्हें पता है कि बालवीर की असली ताकत क्या है? बच्चे और उनकी अच्छाई। सही कहा तुमने तौबा तौबा। जब दुनिया के सारे बच्चे बुरे बन जाएंगे तो बालवीर कमजोर पड़ जाएगा और फिर उसे हराना महाविनाशिनी के लिए आसान हो जाएगा। हाँ, है वो तो ठीक महाविनाशिनी, लेकिन है हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि बनाएंगे कैसे हम दुनिया के सारे बच्चों को बुरा और बदमाश। साइन से ये छोटे आईने से क्या महाविनाश ने आप भी नहीं मिला क्या आपको इससे भी छोटा आईना? अरे नहीं उड़ेगी इससे तो मक्खी भी हो जाती है आप। है लगता मुझे हो गया आपका दिमाग खराब। कहूँ तो करवा दूँ भर्ती आपको किसी पागल खाने में? है मेरी वहां पर बहुत पहचान। महाविनाशिनी अरे हटाइए इस तेज रोशनी को मेरी आंखों के सामने से। ये कोई साधारण आईना नहीं है तौबा तौबा, अद्भुत आईना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.